मॉर्निंग के 8:45 हो गए हैं, हम कलंबोली पहुंच गए एंड टुडे वी आर गोइंग टू अ ब्यूटीफुल प्लेस रत्नागिरी। टुडे वी आर गोइंग टू रत्नागिरी बाय मुंबई गोवा हाईवे। सेकेंड ऑप्शन इज मुंबई सातारा एक्सप्रेस वे वाया पुणे। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री सो we are taking a breakfast halt. This is Shanbar Vishranti Hotel. Nice place. I took omelette pav and vada pav. Both are delicious. And this place is near Panvel, Chinchwan and near Karnala Bird Sanctuary. वैसे आज ट्रैफिक थोड़ा कम है और इसीलिए ड्राइविंग करने का कुछ अच्छा अनुभव मिल रहा है। We had lunch at the Lagoon Restaurant. लंच बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने दाल तड़का और पनीर मक्खन वाला लिया था, दोनों का स्वाद अच्छा था। द लगुन फैमिली रेस्तरां मुंबई गोवा हाईवे पे चिपलून में है, तो आप कभी आए तो यहाँ पे भी अपना लंच या डिनर कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। रत्नागिरी पे पहुँचने से पहले हम लोगों ने ऑन द वे मुंबई गोवा हाईवे पे संगमेश्वर में होटल गणेश कृपा में कुछ स्वीट्स खरीद लिए। यहाँ पे स्वीट्स और मैंगो जूस बहुत अच्छे मिलते हैं। फाइव 34 हो गए और हम रत्नागिरी पहुंच गए। थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाते थे लेकिन लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक और हम लोग थोड़ा रुके थे फोटोग्राफी के लिए भी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। डिनर हम लोगों ने होटल सिद्धाई में किया। होटल सिद्धाई रत्नागिरी हथकंबा रोड पे है। मैंने यहाँ पे कोमड़ी वड़े ले लिए। कोमड़ी वड़े कोकन की एक स्पेशलिटी है। यहाँ पे सी फूड भी अच्छा मिलता है। मॉर्निंग के 8:40 हो गए, रात को थोड़ा हम जल्दी सो गए थे। अभी हम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन है, कोकण रेलवे जो है वहाँ का, ये रत्नागिरी A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं आज, यहाँ पे हम लोग रत्नागिरी में अभी आए हैं। मेरी सिस्टर का यहाँ पे एक बंगलो है, यहाँ पे घर है, तो उनके यहाँ पे हम लोग ठहरे हैं। तो ये नज़दीकी है स्टेशन से, तो वहाँ पे हम लोग कुछ दिन रहने वाले हैं। पूरा एरिया रत्नागिरी रेलवे स्टेशन का है। अभी हम थीवा पैलेस के यहाँ पे आ गए हैं। मेरे पीछे है थीवा पैलेस। रत्नागिरी का थीवा पैलेस बहुत ही प्रसिद्ध है, तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज थीवा पैलेस। थीवा पैलेस बिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रह्मदेश के मतलब आज का जो म्यांमार है वहाँ के एक किंग, उनको यहाँ पे अरेस्ट करके रखा था। किंग और क्वीन दोनों भी साथ में यहाँ थे। इस पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। थीवा पैलेस के प्रीमाइसेस में यह सल्फर कॉस्मोस के फ्लावर्स गार्डन की शोभा बहुत बढ़ा रहे हैं। सल्फर और येलो कॉस्मोस यह प्रजाति मेक्सिको, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाती है। इसमें और भी कलर्स भी होते हैं। और शाम के वक्त हम लोग गणपति पुले गणपति मंदिर की तरफ निकल पड़े। रात के समय ये मंदिर की रोशनी और ये सामने समंदर, रात में ये अलग सा ही एक सुंदर माहौल बन जाता है। कल हम लोग रात को अराउंड 9:45 को घर को पहुंच गए गणपति पुले से। अभी आज हम लोग सुबह निकले हैं रत्नागिरी फोर्ट की तरफ, पहले हम लोग जा रहे हैं। एंड रत्नागिरी फोर्ट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम रत्नागिरी। अभी हम रत्नदुर्ग आए हैं, इसे भगवती फोर्ट और रत्नागिरी फोर्ट भी कहते हैं, मतलब तीन नाम है इसके। और ये पीछे मेरे ये साइड में श्री देवी भगवती का टेम्पल है।
Ratnagiri Fort was built during the Bahmani period. फोर्ट से ही व्यू अल्टीमेट आता है। इस फोर्ट से ही अरेबियन सी का जो व्यू मिलता है वो बहुत ही सुंदर है। Ratnagiri is a port town located on Arabian Sea in Maharashtra Western area. Ratnagiri is very famous for Alpanso mangoes and Alpanso mango has great taste. We are wandering here and experiencing natural beauty of Ratnagiri and really this is a heavenly place and that's why people are attracted to explore the places here. Now we have reached Bhate Beach. Bhate Beach भी खूबसूरत बीच है Ratnagiri का। अभी हम आरेवारे की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हम ओशन फ्लाई जिप लाइन एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करने वाले हैं। सुबह से घूम रहे थे स्पोर्ट्स यावा दौड़ भाग, अब बहुत जोरों की भूख लगी है। इसके लिए हम लोग लंच के लिए मैंगो वैली रिसोर्ट जा रहे हैं। मैंगो वैली रिसोर्ट नियर गणपति पुले आरेवारे बीच रोड पे है। लंच के बाद उन्होंने हमें उनका रिसोर्ट का प्रीमाइसेस देखने के लिए एक राइड भी दे दी। लंच में हम लोगों ने चिकन मसाला और पनीर मक्खन वाला लिया था। बोथ डिशेस वर डिलीशियस और उनका क्वांटिटी भी सही था, मतलब टोटली खाना वन नंबर था। ये प्राचीन कोकण म्यूजियम आ गए हम, ये गणपति पुले में है। यहाँ पे आपको सब कोकण रीजन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कोकण रीजन में कैसे लाइफस्टाइल पहले हुआ करता था, उसी तरह यहाँ पे कौन सी वनस्पति वृक्ष पाए जाते हैं इनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और अभी हम यहाँ पे कवि केशव स्मृति स्मारक, ये मालगुंड में है Ratnagiri मालगुंड, तो यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ले अंदर जाते हैं अभी। कल हम बहुत घूमे थे इसलिए जल्दी रात को नींद आ गई, अभी सुबह इसलिए हम लोग थोड़ा
लेट निकले। तो खेड़ाशी विलेज में हम लोग अभी आए हैं, तो ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है, ये सामने यहाँ से कोंकण रेलवे जाती है, ये ट्रैक है ऊपर कोंकण रेलवे का। और ये पूरा जो एरिया है, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा एरिया है ये। कैशू, मैंगोज, टीक, बहुत सारे वैरायटीज है ट्री में। आखिर कोंकण है, बहुत खूबसूरत है, हर एक जगह एक खूबसूरत है यहाँ पे। अभी हम लोग वहाँ पे आगे थोड़ा ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ भी देखेंगे, थोड़ा चलेंगे वहाँ पे। अभी यहाँ से हम लोग पनवेल सेतु की तरफ निकलेंगे। और पनवेल सेतु जाते जाते हम लोग एक जगह पे रुक गए, क्योंकि वो जगह हमें बहुत अच्छी लगी। अभी हार्वेस्टिंग सीजन है यहाँ पे, चावल की खेती हो रही है। अभी पनवेल से तो हम पहुंच गए हैं। रास्ता थोड़ा छोटा है, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है और दोनों तरफ अच्छी खासी ग्रीनरी है, जंगल एरिया है थोड़ा, तो आने में थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से पनवेल से तो में आप ऊपर जा सकते ट्रैक की तरफ। यहाँ पे दो स्टेयरकेस है, फर्स्ट एंट्री का है जो, और उसके बाजू वाला जो है उससे आप ऊपर जा सकते। एंड पनवेल सेतु इज द हाईएस्ट ब्रिज इन इंडिया। इट इज ऑन अ पनवेल रिवर इन रत्नागिरी। यहाँ पे बोर्ड है पनवेल सेतु, सामने टनल है। हम लोग कल मुंबई के लिए रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। रत्नागिरी बहुत ही खूबसूरत है, और यह खूबसूरत व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।